अब वेब पे रजिस्ट्रेशन किया, आपको रिजल्ट आया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने काउंसलिंग का प्रोसेस किया, आपको सीट अलॉट हो गई और आपका डिसीजन था, आप इंटरेस्टेड हुए और आपने कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू चैनल दैट इज द अड्डा 247 काउंसलिंग। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड आई एम द बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द नीट यूजी कैटेगरी। मेरा एक्सपीरियंस है 10+ ईयर्स का और इसके साथ ही मैंने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं। इस बार हम लोगों ने पहल की है कि हम लोग आप लोगों को काउंसलिंग में भी गाइड करें ताकि आप नीट में एक अच्छा कॉलेज उठा सकें। पर काउंसलिंग में जाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। आपको एक फ्लो चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार जब भी कोई भी काउंसलिंग का वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको यही समझाती हूँ कि काउंसलिंग अगर आपने अच्छे से कर ली तो कई बार कम नंबर में भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं और कई बार खराब चॉइसेस जो होती हैं वो अच्छे नंबर पे भी आपको एक खराब कॉलेज दे जाती हैं। तो आप अगर काउंसलिंग 2024 के मेंबर हैं या 2025 में आप काउंसलिंग को अटेंड करने वाले हैं तो आप के लिए ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। YouTube पर आप इतना अच्छा वीडियो कभी नहीं देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपरली फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाया है कि हमारा 2024 का काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। A to Z प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको सिर्फ इतना देखो, काउंसलिंग अटेंड करने से पहले तुम लोगों को क्या ज्ञान होना चाहिए ये सब बता देते हैं। तुम्हें क्या ज्ञान होना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। मान लो तुम्हारे नंबर हैं 670 या 680, तो तुम्हें ना लिस्ट पता होनी चाहिए कि 670 नंबर पे इस साल मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आप देखोगे कि पिछले साल और इस साल जो नंबर है उनमें काफ़ी डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो कि कितना डिफरेंस आया है पिछले साल के नंबर पे। मान लीजिए कि पिछले साल पे, मान लीजिए कि कोई कॉलेज पिछले साल पे 620 नंबर पे मिलता था, ठीक है, अब वो कॉलेज जो है वो 700 नंबर पे मिलने लगा, तो 80 नंबर का डिफरेंस आया। तो इस 80 नंबर को आपको हर कॉलेजेस के लिए ऐड करते जाना है तो आपको आपका पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए पिछले साल कोई कॉलेज 500 नंबर पे मिलता था, इस बार वो कॉलेज 580 नंबर पे मिलने लगा, तो कितना डिफरेंस आया, 80 नंबर का। तो इस तरीके से आप अपने नंबर के हिसाब से पिछले साल की लिस्ट निकाल लो आप, तो आपको इस साल समझ में आ जाएगा कि मुझे कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो पिछले साल की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप काउंसलिंग का प्रोसेस देखना चाहते हो या समझना चाहते हो कि होता कैसे है तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है बेटा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। नीट का जो रिजल्ट होता है वो NTA की वेबसाइट पर रिलीज होता है, ये आप लोगों को पता है। आप लोगों के पास नीट का स्कोर कार्ड आ चुका है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तो याद रखना कि MBBS एंड BDS की काउंसलिंग जो होती है वो MCC के वेबसाइट पर होती है, जबकि आयुष, यूनानी, BHMS इन सब की काउंसलिंग जो है वो AAACC वेबसाइट पर होती है, जो कि आयुष की वेबसाइट है, ठीक है। अब आपको जाना है MCC की वेबसाइट पर। मैं आपको ध्यान समझिएगा, काउंसलिंग जब भी आप कर रहे हैं तो MCC की वेबसाइट पे काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। हमेशा याद रखिए कि आपके पास जो भी सीटें हैं, ध्यान से सुनिए, आपके पास अगर 100% सीटें हैं मान लीजिए स्टेट पे, तो स्टेट के पास 85% सीट ही होती है, मतलब उस स्टेट के बच्चे जो 85% बच्चे ही वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो 15% कहाँ से आएंगे, 15% ऑल इंडिया कोटा से आएंगे। तो बेसिकली काउंसलिंग में दो कोटा होते हैं, एक होता ऑल इंडिया कोटा, एक होता स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में 85% बच्चे वहीं के होते हैं और 15% बच्चे जो होते हैं वो ऑल इंडिया से आते हैं। एम आई क्लियर टू यू? अब स्टेट में भी दो टाइप के स्टेट होते हैं, एक होता ओपन स्टेट, एक होता क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट जैसे कि केरला, वो पूरे इंडिया के बच्चों को इन्वाइट करता है, क्लोज स्टेट नहीं इन्वाइट करता, ठीक है। आई होप आप इतनी बात समझ गए। तो MCC के आधार से ऑल इंडिया कोटा पे है ना 15% बच्चे जो है गवर्नमेंट सीटों पे जाएंगे और 100% बच्चे जा सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी पे। तो डीम्ड ऑल इंडिया कोटा का 100% बच्चे जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मतलब आप कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट पे जाके ले सकते हैं, वहाँ पर कोई 15% 20% नहीं है। पर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो आप सिर्फ 15% बच्चे ही होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि ESIC, AFMC, AIIMS, जिपमर सीटें जो होती हैं इसमें कोई कोटा नहीं चलेगा, यहाँ पर सारे बच्चे जा सकते हैं। पर स्टेट में अगर कोई स्टेट का कॉलेज है जैसे कि भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज है तो
85% बच्चे भोपाल के ही होंगे, सिर्फ 15% बच्चे जो हैं वो बाहर से आएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, आप काउंसलिंग कर रहे हैं या अटेंड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एमसीसी की वेबसाइट पे। एमसीसी की वेबसाइट आप खोल लीजिए, आपको पता है कि इस बार जुलाई में आपकी हो रही है काउंसलिंग, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हो रही है। तो एमसीसी के वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात, और वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट देना पड़ेगा जो भी आपकी फ़ी की ज़रूरत है, समझे। अब आपके हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फीसें हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम फीस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा, ओके। अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटे से जा रहे हैं या आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए काउंसलिंग फ़ी जो है वो है 1000, जो आपको रिफंड नहीं होगी, और सिक्योरिटी फ़ी जो है वो है 10000। तो अगर आप काउंसलिंग करने बैठे हुए हैं तो आपके पास 11000 रुपया होना चाहिए है, जिसमें 10000 रुपये जो होता है वो रिफंडेबल होता है। क्यों लेते हैं? कि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम ये पैसा इनका जब्त कर लेंगे, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा महंगा। अच्छा, एसटीएससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 500, और जो सिक्योरिटी फ़ी है वो 5000, ये रिफंडेबल है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर आप एसटीएससी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपके पास 5500 रुपया होना चाहिए काउंसलिंग कर या रजिस्ट्रेशन करते समय या चॉइस फिलिंग करते समय। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सारी कैटेगरीज के लिए जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 5000 रुपये, और जो सिक्योरिटी फ़ी है वो है 2 लाख रुपये। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये 2 लाख रुपये या 10000 रुपये कब जब्त हो जाता है, है ना। 2 लाख रुपये बड़ा अमाउंट है ना। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं अगर उनमें आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास 2,05,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप देखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ओके। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। हमें जो हमारी काउंसलिंग जो राउंड्स हैं वो हैं टोटल 4, ठीक है। ज़्यादातर जो काउंसलिंग राउंड्स होते हैं वो 3 राउंड से ज़्यादा नहीं चलते, 4 राउंड तक तो सीट बचती ही नहीं है, कभी कभी 2 ही राउंड में ख़त्म हो जाती है किसी पर्टिकुलर कॉलेज की सीट। अब मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 जो होता है उसके जस्ट बाद होता है स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1। अब मेरी बात को सुनना, कभी भी ये दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पर किसी सीट के लिए, किसी ने चॉइस फिल की थी कि मुझे एक्स कॉलेज की ये सीट चाहिए, ठीक है, पर इसके नंबर पर इसको नहीं मिल पाया, ठीक है, या इसके नंबर वाले बहुत सारे बच्चे थे तो जब टाई ब्रेकिंग हुआ तो उन बच्चों को कॉलेज अलॉट कर दिया गया पर इसे नहीं किया गया। तो अब ये क्या करे? मान लो कि ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज का है ना, मान लो कि एमपी के किसी स्टेट को ये टारगेट कर रहा था, अब ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिला तो 15% स्टेट कोटा पे भी तो सीट है इसके लिए। अब ये अटेंड करेगा स्टेट काउंसलिंग, एमपी की स्टेट काउंसलिंग, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मान लो, ठीक है, इसको कोई और सीट अलॉट होगी पर इसको चाहिए वही वाली, तो अब ये क्या करे? अभी इसने देखा कि जब स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आया तो अभी भी वहाँ सीटें खाली हैं, अब वो क्या करेगा? अब वो जाएगा राउंड 2 पे, राउंड 2 पे उसे सीट मिल सकती है, नहीं तो अब वो एमपी की सेकेंड राउंड काउंसलिंग पे बैठेगा। अगर उसके बाद भी नहीं मिली तो अब वो थर्ड राउंड ऑल इंडिया का, अगर मान लीजिए सीटें खाली हैं अभी भी वहाँ, वैसे तो ज़्यादा एमपी की सीटें बचती नहीं है, अभी भी सीटें खाली हैं तो ऑल इंडिया राउंड के 3रे राउंड में बैठेगा, और वहां पे भी नहीं मिली तो अब वो स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 पे बैठेगा। पर यहां पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है, अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई वहां पे, और अगर अब आपको थक गए काउंसलिंग करते करते और आपका मन बदल गया कि अब हम नहीं लेना चाहते हैं सीट, तो आपकी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, चाहे वो 10000 है चाहे वो 2 लाख है, यहीं पर जब्त कर ली जाएगी, समझ में आई बात। और आपको 1 साल के लिए एनटीए डीबार कर देगा एग्जामिनेशन से, समझ में आ गई बात, ओके। और मान लीजिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप राउंड 3 को अटेंड करिए। मान लीजिए कि अगर अभी भी उस कॉलेज में सीटें बची हैं, तो एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, मॉपअप राउंड होता है राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बची कुची सीटों को क्लियर कर दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको सीट मिल गई, यहाँ पर आपको सीट नहीं मिली तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड पर आएंगे। अगर यहाँ पर सीट मिल गई तो यहीं पर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप उसी सीट के लिए लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर सीट नहीं मिली तो अब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करेंगे, और अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सीट मिल गई तो भी यहाँ पर आप छोड़ नहीं सकते। तो जो राउंड 3 और राउंड 4 है ये बड़े क्रिटिकल राउंड्स होते हैं, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, यहां पर सीट मिलने के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते।
क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब इसके बाद तो काउंसलिंग होनी नहीं है और राउंड्स की, तो बाकी बच्चे कैसे, अगर मान लीजिए आपने सीट छोड़ दी तो वो सीट हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। एक और चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरली रिपोर्टिंग के टाइम पे होता था, ठीक है, या हम कहते हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे होता है या रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद। इस बार रजिस्ट्रेशन करते समय ऐसा सुना है मैंने कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ फोर्जरी हुई तो वहीं पर हम तुम्हें बाहर कर देंगे। पता चला तुम काउंसलिंग के बाद कॉलेज गए, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी निकली और तब तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाला गया, तब तुम्हारी सीट खाली रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने की चल रही है। ये दोनों राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। यहाँ सीट मिल गई यहीं लेना पड़ेगा आपको, यहाँ नहीं मिल पाई ये वाला राउंड अटेंड करो, यहाँ मिल गई यहाँ लेना पड़ेगा, दोनों में नहीं मिल पाए तो तुम्हारी किस्मत ही बहुत ख़राब है, ठीक है। चलो अब देखो, नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी मैंने आपको बताई दी, सीट अलॉटमेंट, ठीक है। जब आप जाओगे तो आपके पास एक मॉक अलॉटमेंट टेस्ट भी कराया जाता है, मॉक अलॉटमेंट किया जाता है कि पहले आप करके देख लो कि कैसा होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, करके देख लो कैसा होता है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट होगा उसके बाद, जहाँ पर आप अपनी चॉइस फिल करोगे जो भी कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो सीट्स है वो आपको अलॉट कर दी जाएंगी और सेम वेबसाइट पर काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग इज द गेम ऑफ द पेशेंस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे उस स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जा ही नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब क्या करें, वो कुछ नहीं करते, बस कोई भी सीट ले लेते हैं। हमें वेट करना है क्योंकि वेट इज़ द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। जब आपको कॉलेज मिल जाए तो बस रिपोर्टिंग करने का आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस दिन आप जाइए पूरे डॉक्यूमेंट ले जाइए, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बस कॉलेज जाना शुरू करिए। तो आपने क्या देखा कि जब कॉलेज गए तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी निकली और आपकी सीट तो खाली हो गई क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस तो खत्म हो गया था। तो ये पहले कराने की बात चल रही है, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल बात करेंगे राउंड वन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है सबको पहले आप लोगों को, ठीक है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, वो सब भर लीजिए आप और आपकी पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आपको बता दी कितनी है। अब ये फ्लो चार्ट जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। राउंड वन में वेब आप खोलिए, ठीक है। क्या खोलना है आप लोगों को, आप लोगों को वेब खोलना है। तो राउंड वन में आप क्या खोलिए बेटा, वेब खोलिए। आपको क्या करना है, रिजल्ट वन में आपको सीट अलॉट होगी। अब देखो आपका डिसीजन होता है, मेरी बात को ध्यान समझना, आपके पास क्या होगा बच्चों, डिसीजन होगा। क्या होगा, या तो आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हो गए तो ले लोगे जाके सीट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब उसके बाद सीट लेने के बाद आपका ये डिसीजन होता है कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, सीट को लीव कर सकते हो, ठीक है, विदाउट ज्वाइन, और सीधे आप राउंड टू पे आ सकते हो, ठीक है। आपको मिल गई थी सीट पर आपने फ्री एग्जिट मारा, आपने क्या किया बच्चों, आपने फ्री एग्जिट मारा और सीधे आप राउंड टू में आ गए। यहां पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बोला मैंने, तो आई होप दिस इज आप समझ गए, फिर से समझाते हैं। देखो आपने वेब पे रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, अब वेब पे रजिस्ट्रेशन किया, आपको रिजल्ट आया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने काउंसलिंग का प्रोसेस किया, आपको सीट अलॉट हो गई और आपका डिसीजन था, आप इंटरेस्टेड हुए और आपने कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, ठीक है, रिजल्ट अलॉट हुआ, डिसीजन हुआ और आप इंटरेस्टेड हुए। पर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सीट को छोड़ सकते हैं, मत ज्वाइन करो और सीधे राउंड टू पे चले जाओ। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जो है रिपोर्ट कर दिए कॉलेज में और आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, सीट को छोड़ सकते हो और उसके बाद राउंड टू पे जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो कई बार एडमिशन हो जाता है और वहां पर भी आप सीटें छोड़ सकते हो, आप राउंड टू पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सीटें आप खाली शो कर दोगे कॉलेज वाला और वो राउंड टू के लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपको फिर से नहीं करना पड़ेगा अगर आपने फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं तो। फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी पर आपको याद रखना, फिर आपको उसको लॉक करना पड़ेगा और आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। राउंड टू का देखते हैं, वेब पे आपने खोला, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सीट अलॉट हुई, आपका डिसीजन था, आपने ले लिया, और अगर आपका डिसीजन है कि हम ये सीट नहीं लेना चाहते तो अब आप थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड पे आ चुके हैं, ठीक है, और आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं अगर आप रिपोर्टेड एट कॉलेज, अगर आप फ्री एग्जिट में आपसे भी ले सकते हैं क्योंकि अभी भी कॉलेज के पास ये टाइम है कि वो अपनी सीटें खाली दिखा सकता है। और अब आप आ गए मॉपअप राउंड पे, ठीक है। मॉपअप राउंड जो होता है, अगर सीट अभी भी खाली बची हैं फर्स्ट और सेकेंड राउंड पे, तो बोथ ऑल इंडिया कोटा से और आपके स्टेट कोटा से हम मॉपअप राउंड कंडक्ट करा सकते हैं,
ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन द राउंड वन एंड टू. अगर आपने वन एंड टू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, और अगर याद रखिएगा आपने छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी. मॉपअप राउंड में क्या करना पड़ेगा, आपको सीट अलॉटमेंट होगी और आप जो है कॉलेज में जाओगे. ठीक है, अभी भी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के पास ये ऑप्शन है कि वो फ्री एग्जिट दिखा सकता है, पर यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी और आप एडमिशन ले भी सकते हो, फ्री एग्जिट भी कर सकते हो और आप चले जाओगे अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में. स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है ये फाइनल राउंड होता है, ओके, और इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है. स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या करना है, आपको वेब पे करना है, रिजल्ट आएगा आपका, सीट अलॉट होगी, डिसीजन. इंटरेस्टेड है तो रिपोर्ट कर लीजिए कॉलेज पे, पर अब आप यहाँ से फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा या आपके पास सीटें हैं ही नहीं. ठीक है, समझ में आ गई बात. अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हैं तो आप सीट को छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए. समझ में आ गई बात. कई बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड से जब्त होती, कई बार मॉपअप से भी जब्त हो सकती है, आप किस कॉलेज पर डिपेंडेंट है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, अगर आप काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. याद रखिएगा पूरी काउंसलिंग में जो लास्ट के दो राउंड हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मॉपअप राउंड में जब्त कर ली जाती है, वो डिपेंड करता है पॉलिसीज पे, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे तो जब्त तो होनी ही होनी है. ठीक है, डोमिसाइल जो है आपको, अगर आप स्टेट काउंसलिंग पे बैठ रहे हैं तो डोमिसाइल होना जरूरी है. डोमिसाइल जो है वो आपका निवासी प्रमाण पत्र है, आप कहाँ के हो. अगर आप स्टेट काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर सकते अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए. एक और चीज़ बता दूं मैं ध्यान से, आईडी प्रूफ के लिए आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होने चाहिए. एक और चीज़ बता दूं, गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉपर हैं ठीक है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होगा. एक स्टैम्प पे कोर्ट से गैप सर्टिफिकेट बनता है जो कि दिया जाता है कि भाई हमने एक साल पढ़ाई की थी. ओके, आपके पास ट्रांसफर टीसी होनी चाहिए और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और एक और चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो बना के रखना. ठीक है, ओके, रिजर्व्ड कैटेगरीज जरूर अपनी गाइडलाइंस को पढ़ें, है ना, EWS है ना, PWD, आपका OBC, STSC, ये सब लोग अपनी गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपके नंबर होते हैं कम तो आपको वो कॉलेज कम नंबर पे भी अलॉट होगा. तो सारे लोग जो हैं सीट मैट्रिक्स को ज़रूर देखेंगे. सीट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो वो ज़रूर देख के जाना. ठीक है, स्टेट काउंसलिंग मैंने बता दिया कि 85% बच्चों के लिए होता है, रिपोर्टिंग करना है आपको, एडमिशन करवाना है आफ्टर जब आपको वो हो जाएगा. अब ध्यान सुनो, है ना, अपग्रेडेशन प्रोसेस, इफ़ यू विश टू अपग्रेड योर सीट इन सबसिक्वेंट राउंड्स यू मस्ट फॉलो द स्पेसिफाइड प्रोसीजर फॉर द अपग्रेडेशन. राउंड चल रहा है और आप अपनी सीट को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो अपग्रेड का भी ऑप्शन उसमें आता है, अगर सीट खाली होगी तो अपग्रेड कर देंगे. विड्रॉल प्रोसीजर, इफ़ यू डिसाइड टू विड्रॉ फ्रॉम द अलॉटेड सीट, अगर आप सीट को छोड़ना चाहते हैं ठीक है तो आप छोड़ दीजिए. ठीक है, रिफंड ले लीजिए अगर एप्लीकेबल है. स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, आप छोड़ सकते हो. ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप ले सकते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स हमेशा ट्रैक रखिए, इन जो लास्ट राउंड्स होते हैं ना इन पर ट्रैक रखना जरूरी है. आप पहले के दो राउंड में नहीं भी रखोगे तो आपके पास लास्ट के ऑप्शंस हैं, पर मॉपअप और स्ट्रे पर अगर नहीं रखोगे बच्चों तो याद रखना कि फिर आपके पास कुछ नहीं है. ओके, डन. क्वेरीज आप कर सकते हैं, NTA का ब्रोशर फोल्ड कर सकते हैं. याद रखिएगा जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो ये किसके हिसाब से होता है, रैंक, तो आपकी रैंक ज़रूरी है. सीट मैट्रिक्स ध्यान रखना कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है बेटा. टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि इस कॉलेज में अगर 10 बच्चे सेम मार्क्स के बैठ गए तो क्या मुझे ये कॉलेज मिल सकता है. तो टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया आपको, आपकी एज, आपके बायो में नंबर, फिजिक्स में नंबर, केमिस्ट्री में नंबर, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं. ठीक है, अनरिजर्व्ड सीट्स, ठीक है, ये अनरिजर्व्ड सीट आपको कैटेगरी, मैंने वही बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं बेटू. ठीक है, समझ में आ गई बात, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरिफिकेशन, एक बार काउंसलिंग में जब आपको सीट अलॉट हो गई है तो डॉक्यूमेंट सही लेकर जाइए, क्योंकि अगर नहीं लेकर जाएंगे तो वहीं से आपको भगा दिया जाएगा भले उनकी सीट साल भर खाली रहे. याद रखिए वेटिंग लिस्ट, याद रखिएगा कई काउंसलिंग के बाद वेटिंग लिस्ट आती है. वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे जो हैं वो निराश ना हो, लास्ट राउंड नहीं है, अगर लास्ट राउंड में वेटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है वेटिंग लिस्ट वाले करिए, क्योंकि मैंने बोला ना कई बार कॉलेज में लोग जाके फैल जाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, तो कई बार आपको वो सीट मिल सकती है ना, तो वेटिंग लिस्ट में अपना नाम ज़रूर देखें और ऑप्शन देखते रहें. अर्ली अपडेट्स के लिए यहाँ पर आएँ. 0 एरर प्रोसेस काउंसलिंग के दौरान
करें, ठीक है। ये मैंने पूरा करा, MCC के वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपको फी देना पड़ेगा। आप अपनी पूरा डिटेल भर के चॉइसेस को फिल करिए और फिर उसे लॉक करिए। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में जाइए, ठीक है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जो है, आप अगर नहीं चाहते सीट में तो राउंड टू पे चले जाइए। राउंड टू पे फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट क्या है बच्चों? है ओके। अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो जाइए अपने कॉलेज पे, आप रिपोर्ट करिए। वहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव गिवन द विलिंगनेस एज यस फॉर द अपग्रेडेशन, वो राउंड टू में जा सकता है, ठीक है। न्यू अपग्रेडेशन मतलब क्या? राउंड टू में जाना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर राउंड टू, राउंड वन रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड पे अगेन, ठीक है। मतलब उन्हें फिर से पे नहीं करना पड़ेगा, चॉइस फिर से फिल करनी पड़ी। और अब आप सेकेंड राउंड में पहुंच चुके हैं। सेकेंड राउंड में अगर आपने सीट ले ली तो भाई जाओ वहाँ पे वो करो, जाओ वो करो, एडमिशन लो लो, ठीक है ओके। पर याद रखना एग्जिट विद द फोर फीचर ऑफ द सिक्योरिटी फीस विद इन द टू डेज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप मॉपअप पे आ गए तो वहाँ पर अब आपको अपनी सिक्योरिटी जब्त करवानी पड़ेगी, याद रखिएगा ये, ठीक है। मॉपअप राउंड में आप जा सकते हैं, फिर मॉपअप राउंड में जाइए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाइए। तो क्या समझे आप? ये समझे, यू हैव फोर, कंक्लूजन दे देती हूँ। आपके पास जब आप काउंसलिंग करने बैठे हैं, 11,000 रुपये होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के पास, अगर आप किसी सरकारी कॉलेज को रजिस्टर करने बैठे हैं, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन करने, सरकारी क्या, रजिस्ट्रेशन करने बैठे हैं। आप किसी कैटेगरी के हैं तो आपको 5,500 रुपये चाहिए। अगर आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास 2,00,000 और कितना था, 5,000 रुपये होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको चॉइसेस को लॉक करना है, बिना लॉक किए आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। आपके पास टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग है, लास्ट के 2 राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। समझ में आ गई बात? आई होप आप समझ गए हैं। अब काउंसलिंग जब आप करने बैठे हैं तो मैं फिर आपको कह रही हूँ, अपने नंबर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये आप ज़रूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने नंबर हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो वो भी कमेंट करो, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय।